नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। मुजफ्फरपुर न्यूज देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अली इकराम है। मैंने अभी भी बीपीएससी द्वारा 60वीं से पास अपनी संयुक्त सम्मिलित परीक्षा में 74वां स्थान प्राप्त किया है और मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा का पद मिला। जैसे कि बच्चे अभी एग्जाम का सीजन है, कुछ ऐसा टिप्स बताए जो बच्चे इस चीज को आपको फॉलो करें। परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उस परीक्षा का सिलेबस अच्छे से पता हो, ये पता हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके के आ रहे हो, और आज पढ़ने के लिए इंटरनेट जैसी जगहों पे बहुत सारे साधन उपलब्ध है। सही पाठ्य पुस्तकों का चुनाव बहुत आवश्यक है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए ये होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है उसको छांटे, सही चीजें निकाले, अपने खुद के नोट्स बनाए, उसको खुद लिखें तभी, और उसको अच्छी तरीके से समझे। किसी भी चीज की समग्र जानकारी होना आज बहुत आवश्यक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं है परंतु स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। दिन में कितने घंटे की जरूरत पड़ती है पढ़ाई के लिए अगर बच्चे निकालते हैं तो सफल होने के लिए? अगर आपको सफल होना है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन निरंतर पढ़ना है। ये नहीं कि आप 2-3 दिन पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप 2-3 दिन छोड़ दे रहे हैं, इससे कंटिन्यूटी टूट जाती है। आप भले 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, बाकी टाइम आप रिलैक्स रहे, लेकिन ये 3-4 घंटे आप निरंतरता के साथ पढ़े, पूरे जोश के साथ पढ़े और उसमें नई नई चीजें सीखें। अपने नोट्स बहुत जरूरी है कि आप बनाएं, और ज्यादा जरूरी है कि आप सही मटेरियल का चुनाव करें, सही ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय का चुनाव करें, और उसके बाद आप समग्रता के साथ तैयारी करें। कोई मैंने कभी कोई कोचिंग या मॉक तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सेल्फ स्टडी से मैंने सफलता प्राप्त की है तो कोई भी बंदा सफलता प्राप्त कर सकता। एक अलग सा खुशी का माहौल होगा, आपको कैसा लग रहा है और परिवार में क्या खुशियां मनाई जा रही है, जरा शेयर करें हमारे मुजफ्फरपुर न्यूज के दर्शकों। मेरा भाई इतना बड़ा बन गया, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है, किसी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे सब बच्चों को ऐसी खुशी दे। ऐसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। लोग अली को आपके नाम से जानते थे, अब आपको अली के नाम से जानेंगे, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एमयूजेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।